नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी। देवरिया जाने से पहले अखिलेश यादव अपना होमवर्क कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अति पिछड़ी जाति के नेताओं की बैठक बुलाई। बंद कमरे में हुई इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अगले बनाम पिछड़े का एजेंडा सामने रखा। बहाना तो जातिगत जनगणना का रहा, लेकिन इसी बहाने अखिलेश यादव ने देवरिया हत्याकांड को लेकर गैर यादव पिछड़ी जाति के नेताओं का मन पढ़ने की कोशिश की। बता दें कि देवरिया के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद में 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक यादव बिरादरी का था, बाकी 5 लोग एक ही ब्राह्मण परिवार के थे। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव है। बीजेपी के स्थानीय नेता ब्राह्मण परिवार के साथ हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग यादव समाज के समर्थन में खड़े हैं। अखिलेश यादव 16 अक्टूबर को देवरिया जा रहे हैं, जहां अगले ही दिन प्रेमचंद्र यादव का शांति पाठ है। किसी भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस हत्याकांड से जुड़े किसी भी पक्ष से अब तक मिलने नहीं गया है। जिस दिन ये घटना हुई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ तो बस घंटे भर दूर गोरखपुर में ही थे। देवरिया के बीजेपी सांसद रमापति राम त्रिपाठी भी इस झगड़े से दूर रहे हैं। रुद्रपुर के स्थानीय बीजेपी विधायक जयप्रकाश निषाद ने भी अब तक इस विवाद से दूरी बनाए रखी है। इसी सीट से विधायक रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का भी स्टैंड अब तक यही रहा है। ऐसे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के देवरिया जाने के पीछे की रणनीति क्या है? अखिलेश यादव इसी बहाने ओबीसी पॉलिटिक्स के अपने फॉर्मूले को पूर्वांचल के इस हिस्से में आजमाना चाहते हैं। यूपी में बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी का अपना अपना बेस वोट बैंक है। हाल के कुछ सालों में बीजेपी ने अपना सामाजिक फॉर्मूला ऐसा बना लिया है कि वो अपराजेय हो गई है। समाजवादी पार्टी का बेस वोट मुस्लिम और यादव रहा है, लेकिन इतने भर से पार्टी का भला नहीं हो पा रहा है। देवरिया जाकर अखिलेश अब अपने वोट बैंक का विस्तार करने की कोशिश में हैं। वह इस मान्यता को भी तोड़ना चाहते हैं कि यादव के साथ बाकी पिछड़ी जातियां नहीं जुड़ सकती हैं। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि यादव समाज के वर्चस्व के कारण अति पिछड़ी जातियां उनसे दूर रहती हैं, इसलिए अखिलेश का फोकस अब निषाद, मल्ला, बिद, कश्यप, मांझी जैसी छोटी छोटी जातियों पर है। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने छोटी छोटी जातियों का नेतृत्व करने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। पिछला यूपी चुनाव हारने के बाद ही इन पार्टियों ने अखिलेश का साथ छोड़ा और इसके बाद अखिलेश इस बार अपनी पार्टी में ही इन बिरादरी के नेताओं को आगे बढ़ाने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि देवरिया कांड के बाद इलाके के पिछड़ी जाति के लोग ब्राह्मणों के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। उनका प्रयास इस लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की है। वैसे तो देवरिया में ब्राह्मण वोटरों का दबदबा रहा है, लेकिन पूर्वांचल के इस इलाके में निषाद भी हैं, पर यूं कह लें कि मल्ला बिरादरी का वोट निर्णायक माना जाता है। निषाद अति पिछड़ी जाति से आते हैं। इनकी मांग रही है कि इन्हें SC कोटे से आरक्षण मिले। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी इस इलाके से आते हैं। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सीट खाली करने के बाद अखिलेश ने संजय के बेटे को समाजवादी पार्टी से टिकट दिया था। लोकसभा के उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। जिस गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे, वहीं बीजेपी की हार ने सबको हैरान कर दिया था। अखिलेश अब देवरिया हत्याकांड के बहाने फिर उसी राजनीतिक प्रयोग पर लगे हुए हैं। अगर उनके मुस्लिम यादव वोट बैंक में निषाद, बिंद, कुशवाहा जैसी जातियों के वोटर जुड़ जाते हैं, तो फिर उनका काम बन सकता है। यहाँ ये बात गौर करने वाली होगी कि MY फैक्टर जो बहुत पुराना है और अखिलेश यादव जिसके सहारे लंबे समय से सियासत करते रहे हैं, उसमें ये तमाम जातियाँ अगर जुड़ती हैं तो यकीनन अखिलेश की ताकत बढ़ सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में BSP के साथ गठबंधन के बावजूद पूर्वांचल के इस हिस्से में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। कुल मिलाकर मामला अखिलेश यादव की तरफ से 85/15 का बनाने का है, मतलब सवर्ण बनाम बाकी सब लोग। इसलिए समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हुई बैठक में उन्होंने इसी फॉर्मूले पर सबके साथ आने की अपील की। मीटिंग के बाद बाहर निकलने पर मीडिया ने पूछा कि ये देवरिया जाने का क्या मतलब समझा जाए, मामला तो जमीनी विवाद का है। अखिलेश यादव बोले, मैं वहाँ किसी लाभ के लिए नहीं जा रहा, लेकिन राजनीति में यूं ही कोई कहीं नहीं जाता। हर फैसले के पीछे पॉलिटिक्स का गुणागणित होता है। अखिलेश के लिए 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 वाली बात भी हो सकती है। वैसे कभी कभी कहानी 0 पर भी खत्म हो जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।